मशहूर है इसके साथ जमींदार। एक्शन ग्राउंड जमींदार के लिए बन गए कि कोर्ट मैटर है, कोर्ट में केस चल रहा है, इस पे इंक्वायरी कमेटी बनाया जाए। जो मार्केट के एरिए ये जमींदार के लिए बनाया गया और कमीशन एजेंट और मार्केट कमेटी मिल मिला के उन्होंने 2004 को फी बुट 1 रुपये के हिसाब से एक्शन ग्राउंड किराया पे देगा। जी सर, तारुफ करा रहा हूँ, मैं माशाखोर सदर हजारगंज जी और हमारे चेयरमैन जलाद खान बड़ीच। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने इसलिए बुलाया कि वहाँ पे मार्केट हजारगंज जी फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्शन ग्राउंड पे एक तरफा कार्रवाई हो रहा है, एक वाहिद माशाखोर के खिलाफ कार्रवाई हो रहा है और कमीशन एजेंट जो वहाँ पे जो गैर कानूनी कारोबार कर रहे हैं, हालांकि आज तक वो एक्शन ग्राउंड पे रोड पे और अपने दफातर के सामने गैर कानूनी कारोबार किराए के नाम पे बता वसूली वो सब कुछ कर रहे हैं, मगर इसी सरिया BRDC उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। हमारे पास बाकायदा वीडियो भी मौजूद है, तस्वीरें मौजूद है, उनको जो प्लाट 1100-1200 फुट जो फ्लाट उनका जो एक्शन ग्राउंड के सामने उनमें वो मुख्तलिफ किराए पर दिए गए, जो क्लब के लिए दिए गए, पार्किंग के लिए दिए गए, मुख्तलिफ कारोबार वहाँ पर शुरू है और उनके खिलाफ जो अरतानी बलूचिस्तान यूनियन है या नेशनल कमीशन एजेंट यूनियन है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और जो अभी आजकल जो कार्रवाई हो रहा है, हमारे जो केस अभी हाईकोर्ट ऑफ बलूचिस्तान में जारी है, आने वाले 15 तारीख को पेशी जो उन्होंने जो कंटेम्प्ट लगाया नेशनल कमीशन एजेंट वही अभी तक पेंडिंग में, जो हम लोगों ने लीज के अब तक लीज जो एक्शन ग्राउंड 2004 को चुपके से जो हुआ है वो अभी तक पेंडिंग में, हम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और हाईकोर्ट ऑफ बलूचिस्तान को हम उसको इसका बताना चाहते हैं कि 2004 को जो उन्होंने लीज पर दिए गए लीज या अलाटमेंट ये QDA के अख्तियार में, ज़रात के पास इतने इख्तियार नहीं होते कि वो एक्शन ग्राउंड किसी एक परी को दे, या पे एक्शन ग्राउंड पे अकेले हम मुतासर नहीं है, ये मेरा अकेले ज़ातियात की बात नहीं है, यहाँ पे हज़ारों ख़ानदानों की बात है, मशहूर है इसके साथ जमींदार है। एक्शन ग्राउंड जमींदार के लिए बन गए, जो मार्केट के एरिए ये जमींदार के लिए बनाया गया और कमीशन एजेंट और मार्केट कमेटी मिल मिला के उन्होंने 2004 को फी बुट 1 रुपये के हिसाब से एक्शन ग्राउंड किराए पे देगा, लीज पे दिए गए। ये एक्शन ग्राउंड खरबों का जायदाद है, इन्होंने अभी अपने मलकियत जाहिर करके DC के पास जाते हैं, कमिश्नर के पास जाते हैं कि हमारे मलकियत है, ये मलकियत कानूनी तौर पे नहीं बन सकता क्योंकि हमारे पास हमने वकला से भी मशवरा कई बार किए, लीज और जनरल 1991 एक्ट और 1992 जो रूल्स बता रहे हैं, मार्केट कमेटी के पास उनके पास इतने इख्तियार नहीं है कि वो जाके एक्शन ग्राउंड किसी को लीज पर दिए जाए। हालांकि आपको वाजे आपको पता है कि जो मार्केट कमेटी का जो चेयरमैन वो भी मेंबर्स के थ्रू वो मुंतखब होते हैं, मेंबर्स में मशहूर कमीशन एजेंट जमींदार, और आज का जो फैसला हम लोग भी हैरान है कि कौन से फैसला कहाँ से आ रहा है, किस बुनियाद पे आप कर रहे हो, मशहूर को वो साइड पे फेंक रहे हैं। रूल्स और एक्ट उसमें मशहूर के बहुत बड़ा रूल्स है, वहाँ पे हम लोग जब कमीशन एजेंट से माल जमींदार लाते, कमीशन एजेंट से हम लेते, फिर हम ज़िलों को सूबों को शहरों को हम सप्लाई करते, यहाँ तक कि वो कमीशन एजेंट कई बार उन्होंने गुजरे हुए हमने मार्केट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था, मीडिया आए थे, हमने इसी हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसी टाइम के बाद हरियाणा बलूचिस्तान के जो नियाम नाम नियार यूनियन है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार जाहिर किया कि ये अच्छा हुआ कि यह कार्रवाई हुआ। उसके एक दिन बाद फ्रूट मंडी में मैं बतौर गवाह आप मीडिया के सामने भी पेश कर सकता हूँ, कोर्ट में भी पेश कर सकता हूँ, उन्होंने एक मेरा बंदा जो मशहूर है बिस्मिल्लाह आगा नामी शख्स है, उन्होंने उससे 1 लाख रुपये एडवांस लिया था, वो किसने, राज महमद आगा ने लिया था, जो अरतियाने बलूचिस्तान का पता नहीं सदर है या चेयरमैन है इस तरह,
उन्होंने 1,00,000 रुपये अक्षम ग्राउंड पे किराए के हिसाब से लिया था और वहाँ पे उसका सपोर्ट कर रहे हैं कि हमने गवर्नमेंट का वो बहुत वो कर रहे हैं कि अच्छा हुआ है कार्रवाई किया। आप वहाँ पे किराया ले रहे हो, यहाँ पे हमारे पास जब आते कि हम ये इन कार्रवाई के हक में नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से हम यही पुरजोर अपील करते हैं कि कोर्ट मैटर है, कोर्ट में केस चल रहा है, इस पर इंक्वायरी कमेटी बनाया जाए। आप जो लीज क्या तक वो पेंडिंग में है, हाईकोर्ट ऑफ बलूचिस्तान से हमें यही अपील है कि जो जो हमारे 23 एकड़ कमीशन एजेंट मार्केट कमेटी बता रहे हैं कि हमने मशहूरों को 23 एकड़ दिए, 23 एकड़ कागज़ों के हद तक है, मौके पे वो 2 एकड़ है, 21 एकड़ आज तक ना किसी ने बोला है ना किसी ने दिए। लीज के हद तक और 23 एकड़ के हद तक हमने नेब में भी हमने अप्लीकेशन दी है, FIA में भी हमने अप्लीकेशन दी है, हमारे अप्लीकेशन पे कोई सुनवाई भी नहीं हो रहा है। और जो नया नया सुप्रीम कोर्ट का जो एक आर्डर आया, एक पहले जो अपील था हम लोगों ने जब 2018 को जो हमने लीज के खिलाफ केस लगाया था तो हाईकोर्ट ऑफ बलूचिस्तान ने मेरे खिलाफ फैसला दिया, वही हम गए सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट ने 2022 को हमारे हक में आर्डर दिया, वही आर्डर वही अपील अभी भी पेंडिंग में है। फिर हम गए हाईकोर्ट मार्केट कमेटी चेयरमैन के पास, वहाँ से आ क्या कि उन्होंने हमारे खिलाफ वैसे भी फैसला देना था, उन्होंने दिया, कहते आप टेम्बार्ड हो। जब सुप्रीम कोर्ट ने टेम्बार्ड का फैसला ही ख़त्म किया, उन्होंने कहा कि आप जाए चेयरमैन मार्केट कमेटी के पास। फिर हम आ गए हसी के पास, फिर आ गए एडिशनल कमिश्नर के पास, उन्होंने भी हमारे आके फैसला दे दिया। अभी वही 21/94/2023 वही अपील पेंडिंग में लीज और 23 एकड़ क्या था कि अर्तियाल बलूचिस्तान या नेशनल कमीशन एजेंट गलत बयानी कर रहे हैं, मीडिया पे भी वो गलत बयानी कर रहे हैं, हाई कोर्ट में भी वो गलत बयानी कर रहे हैं। आने वाले पेशी दोनों पेशियाँ 15 तारीख को है जो उनका कंटेम्प है, और हम हाईकोर्ट ऑफ बलूचिस्तान को ये रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि जो केस 2018 से पेंडिंग में, उन्होंने 2021 को हमारे खिलाफ केस लगाया था, जब पुराना केस पेंडिंग में उनका हक नहीं बनते कि वो कंटेम्प लगाए। और दूसरा, यहाँ पे सोशल मीडिया पे एक अर्तियाल बलूचिस्तान का जो एक मेन उहदेदार जो आज जाहिर है, उनका जो कल ही परसों उन्होंने हमारे 3 बंदों को गिरफ्तार किया था, उन्होंने फिर इनके खिलाफ इस्तखासा किया, फिर हम लोगों ने निकाला। अभी वो मुख्तलिफ तरीके, कभी हुंडे भिजवा रहे, कभी पुलिस के जरिए धमकियाँ भेज रहे कि आपने एक्शन ग्रुप ही नहीं आना है। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से हमें यही एक वाजे अपील है कि अभी हम लोग मुतासर है, एक बार तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हुआ, दूसरा कमीशन एजेंट के बंदों ने हमारे जगहों को चलाया, आज की कार्रवाई हम आप मीडिया के जरिए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को हम वाजे यही कहते हैं कि यहाँ पे एक तरफा कार्रवाई हो रहा है। सब्जी मंडी में अक्षम ग्राउंड पे उन्होंने कार्रवाई की है, फ्रूट मंडी में अक्सर कमीशन एजेंट को एजेंडों का पक्के स्टॉल पड़े हुए हैं, अभी भी रखे, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं ना कर रहे ना उनकी सोच में। अगर साहब आपकी बात सही है, जो कल का वाक्य है उसका थोड़ा मैं वजाहत करूँ, अभी आपने अच्छा हुआ कि आपने उसका वो वाजे सवाल किया। कल जो कार्रवाई था, जो हमारे यूनियन का जो अहदेदारान है जो मोजेज है, उन्होंने यही कोशिश कर रहे थे कि खुदा न खास्ता कोई तरफ कलामी भी ना हो जाए, पथराव तो दूर की बात है, पथराव उस टाइम वो हम लोगों ने नहीं किया ना हमारे बंदों ने किया, कमीशन एजेंट ने अपने बंदों को हमारे बंदों में घुसाया था।
और वहाँ पे मार्केट कमेटी के अहम जिम्मेदारान वो कहते हैं कि कमीशन एजेंट के जो बड़े बिल्डिंग है वहाँ से पथराव हो रहे थे। वो यही कोशिश कर रहे हैं कि हमें हमारे खिलाफ कोई एफ आई आर हालांकि कल में मंडी में नहीं था, हम यहाँ आए आज का मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, उन्होंने मेरे खिलाफ भी एफ आई आर किया। अभी हम लोग कोर्ट से आ गए, मौजूद अदालत ने हमें जमानतें दी है, उसमें जलाद खान है, अमर अकबर मशीन मोहम्मद खान है, भारी बड़े अच्छे उसमें मेन बुजुर्ग बंदे, वैसे जो उन्होंने जो एफ आई आर किए इस तरह नमो कहा एफ आई आर की कि ये मुजज लोग ये पथराव तो छोड़ ये किसी को गलत बात भी नहीं कर सकते, खुदा ना करे। इन्होंने इस बुज़ुर्गों को इसलिए डाला कि ये कल ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के पास जाए ना कल हाईकोर्ट के पास जाए, कोई कानूनी कार्रवाई इख्तियार ना करे। और दूसरा जो आपने वो कहा कि एक मैं उसका पुरजोर मजम्मत करता हूँ, मेरा अर्ज सुनो, वहाँ पे मशहूर दो किस्म है, एक मशहूर है जो लोड ले रहे, एक लोड ले या 300 करेट या 500 करेट, दूसरा मशहूर वो जो सुबह चार बजे आते बग़ैर नीलामी या सामान उठाते वहाँ पे शाम तक नापतोल के ज़रिए बेचते, जो शहरों के सप्लाई करते घरों वाले आते, दो मशहूर है। और हालांकि अगर वो कहते कि ये स्टॉल हम लोगों ने स्टॉल बजूर खुदा ना करे हमने ज़बरदस्ती नहीं रखा है, ये 98 को जब मंडी शिफ्ट हो रहा था उस टाइम मौलवी अमीर जमान इसका वजीर था, वजीर ज़रा था, उन्होंने ये जलाद खान उसी टाइम तो बुजुर्ग है अभी तो बुजुर्ग है उसी टाइम ये तीन मंडी से आ रहा है, दो मंडी से तीन मेज़ान चौक से फिर डबल रोड सरकी मंडी फिर आ गए उधरी से, ये उसी टाइम वजीर ज़रात गवर्नमेंट सब थे, उन्होंने हमें दरमियानी से भी खुद यही कमीशन एजेंट थे, यही जमींदार था, यही मार्केट कमेटी चेयरमैन इंतजामिया था। तो उसी टाइम जब 98 में हम बैठ गए तो आ गए 2004 की टाइम, 2004 में हालांकि उसका मिनट्स मीटिंग मेरे पास उसका सबूत है, उसमें हमारे मशहूर का कोई मेंबर भी नहीं है, एक मेंबर भी नहीं है, खाली कमीशन एजेंट है, मार्केट कमेटी है। वैसे तो रूल्स और एक्ट जब आप मुझसे ज़्यादा आपको ज़्यादा पता है कि वीडियो जब किसी कोई जगह किसी को अलाट भी देते वो 10 या 15 दिन पहले अखबारी इश्तियार देते कि हमने ये जगह किसी को अलाट भी देना है, आप अगर आप लोगों का एतराज़ है तो अपना एतराज़ जमा करें। वही प्रोसेस उन्होंने उसका वाज़े सबूत है कि जब आपने किसी अखबार इश्तहार नहीं दिए चुप छुपा के अपनी लीज दिए वो भी ए फी फुट 1 रुपये का। और दूसरा ये बात है कि उसके पिछले हिस्से पे उन्होंने 3 ऑप्शन दिए कि आप इस पे तामीरात नहीं कर सकते हो, आप इस पे कोई स्टॉल नहीं लगा सकते हो, आप किराए पे नहीं दे सकते हो, हमारे पास एग्रीमेंट इनके पेड़ वगैरह मार्केट कमेटी के पास भी है। उन्होंने यही लीज कम अज़ कम 6 पर, उसका नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि वो एक मोजस कारोबारी शख्स है, क्योंकि वो उसके पास जाते वाजे उसको झगड़ा मुकसर करते, उनसे वो सालाना 48 लाख रुपये ले रहे हैं, 48 लाख रुपये वो ले रहे हैं, ये कमीशन एजेंट। तो हमारे पास उनकी एग्रीमेंट लेटर पेड सब कुछ मौजूद है। कमीशन एजेंट दो यूनियन है, एक यूनियन जो हमारे मुखालिफ है वो केस में भी आ रहे हैं, हर जगह भी आ रहे हैं, मुद मुखालिफ वो सामने जाने, और जो दूसरा अर्तियान बलूचिस्तान का पहले मैं खुद सपोर्ट कर रहा था, मैंने खुद उनके साथ लिया कमीशन कि ये अर्तियान बलूचिस्तान है अच्छा, इन्हें किसी का खुदा ना खासा वो नहीं करते, मगर वो पर्दे के पीछे वार कर रहा है, सामने सामने कोई बात नहीं कर रहा। और किराया खुद ये जो अभी जहूर नामी शख्स इन्होंने खुद मुझे मेरे पास आके क्या ये बंदे मुझे किराया नहीं दे रहे, मैंने कहा किस खुशी में आपको किराया दे, आज तक हमारे उनके साथ कोई ना सलाम दुआ ना कर रहा है। वो इसका लाइम अभी तो हाईकोर्ट ऑफ बलूचिस्तान में केस चल रहा है, हम आप मीडिया के तहसुस से हम वाज पैगाम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को ये वाज पैगाम कि हम खुदा ना खस्ता हम ना किसी
नाखुशगवार का कि वो उसमें नहीं है, हम किसी भी गैर कानूनी जो भी यूनियन करे हम उसके खिलाफ है। हम ब्राह्मण लोग हैं ना, हम रोड ब्लॉक करते हैं ना, हम किसी को खुदा ना खासा कुछ भी नहीं कहते। हमें इसी एक्शन ग्राउंड पे काम करने थे कि कल हाईकोर्ट बलोचिस्तान में केस चल रहा है, अगर कोई फैसला आया हाईकोर्ट बलोचिस्तान अगर हमारे खिलाफ थे तो हम जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील करते, अगर आप हमारे हक में आ गए वो बेशक जाए। और एक दूसरा जो कल जो ये फायर हुआ है, एक बुजुर्ग कबायली रहनुमा भी है, पुपलसई चेयरमैन अजय अहमद शाह, उनके खिलाफ वो उन्होंने हमारे खिलाफ हमारे एफ आई आर में डाला है। वो उस पर वो आगा साहब, ये जो मशहूर है ये 91 एक्ट ने लाया, ना हमने लाया, ना आपने, ना उसने। अभी ये जो कमीशन एजेंट को मैं अगर कल उसको किराया कबूल कि मैं आपको किराया दूंगा, ये ना हाईकोर्ट के पास जाएगा, ना डीसी के पास जाएगा, ना कमिश्नर के पास, किसी के पास नहीं। यहाँ पे खालिसन किराए के लिए झगड़ा चल रहा है। क्या आप मुझे ये एक बार नहीं, हमारे इनके साथ कई बार ये बुजुर्ग बैठा है, कई बार हम लोगों का उनके साथ मीटिंग हुआ है, उन्होंने कहा कि आप 500 रुपये से शुरू करो, 500 रुपये खाली किराया दो, बस आप कानूनी भी हो। मार्केट कमेटी भी ये बता रहे कि आप कानूनी भी हो, चाहे कब्जा भी करो खुदा ना खासा, आप कानूनी हो, बस आप खाली किराया दो। कुदरत की तखलीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराहे रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।